हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बनाने वाले हैं एक क्विक स्नैक्स, जिसको बनाना दोस्तों बहुत आसान है और इसे बनाने के लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं होगी। फ्रेंड्स, ये खाने में बहुत क्रिस्पी और टेस्टी लगेगा और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत जल्दी बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी को बनाना। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमको चाहिए बेसन, चार बड़े चम्मच बेसन ले लिए इतने बड़े स्पून से। अब फ्रेंड्स, इसमें हम पानी डालेंगे और इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। इस घोल को इतना ही गाढ़ा बनाना है, ना बहुत पतला रहे और ना बहुत ज़्यादा ठीक रहे, बस इसको ऐसे अच्छे से फेंट लेना है। अब फ्रेंड्स, इसमें हम डालेंगे नमक। नमक फ्रेंड्स अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब फ्रेंड्स, इसमें हम डालेंगे हल्दी। हल्दी बहुत थोड़ी सी जाएगी। अब फ्रेंड्स, इसमें हमको डालना है ये लहसुन का पेस्ट, ये एक बड़े चम्मच इसमें हम ऐड कर देंगे। लहसुन को भी इसमें हम मिक्स कर देंगे। अब फ्रेंड्स, हम एक थाली लेंगे और इस थाली में हम थोड़ा सा ऑयल डालकर इसको ग्रीस कर लेते हैं और इसको एक साइड में रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो हमने एक पैन ले लिया है, इंडक्शन को ऑन कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। अब फ्रेंड्स, ये तेल जब गर्म हो जाए तो हमें ये जो घोल हमने बनाया है इसको हम इसमें तेल में डाल देंगे और इसको ऐसे लगातार चलाते रहेंगे। आंच को स्लो कर दें और इस घोल को हमें गाढ़ा होने तक ऐसे ही चलाना है। अब इसका पानी लगभग सूख चुका है और जब ये एकदम अच्छे से आपको लगे कि ये सूख गया है तब इसको इस थाली में डाल देना है और हाथों में पानी लगाकर और इसको हमें ऐसे बराबर कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको पूरा अच्छे से थाली में फैला लिया है। अब इसको हमें रख देना है जब ये ठंडा हो जाए पूरी तरह से। तो आइए फ्रेंड्स, अब ये बिल्कुल ठंडा हो गया है, नीचे से भी बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम इसके पीसेस कट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ये अच्छे से जम गया है। अब हम इसके पीसेस सारे अलग कर देंगे और इसको अब हम शैलो फ्राई करेंगे। तो चलिए इसको अब फ्राई करते हैं। पैन हमारा गर्म हो गया है फ्रेंड्स। अब हम इसमें डालेंगे ये मस्टर्ड ऑयल। अब जब ये तेल गर्म हो जाए तो हम अपने पीसेस इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, इसकी फ्लेम को स्लो करके और फिर इसको दोनों साइड लाल होने तक हमें इसको फ्राई करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ से ये लाल हो गया है और क्रिस्पी भी हो गया। अब हम इसको पलट देते हैं। अब ये दोनों ओर पक गया है। ये देखिए, दोनों साइड से बिल्कुल लाल हो गया है और ये बहुत ही क्रिस्पी है बना है। तो इसी तरीके से हम अपना बाकी के भी फ्राई कर देते हैं। हमारी ये स्नैक्स की रेसिपी कंप्लीट हो गई है। आप इसको प्लीज़ घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है
तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।